हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? सब ठीक ही होंगे आशा करती हूँ। तो आज मैं बना रही हूँ बहुत ही इजी रेसिपी, 2 मिनट में बन जाती है। तो ये देखो, ये रख दिया मैंने पानी, उसमें डाल दिया मैंने 2 कटोरी पानी डाला है, तो 2 कटोरी चीनी ऐड करूँगी इसमें। और इसकी चाशनी बनानी है जिस तरह से हम गुलाब जामुन की चाशनी बनाते हैं, उस तरह से ही बनानी है। तो चाशनी हो रही है तैयार, तब तक मैं काट लेती हूँ ब्रेड। तो ये ब्रेड के साइड वाले कॉर्नर निकाल दूँगी और इस ब्रेड को कोई शेप दूँगी मैं, कोई सी भी दे सकते हैं, ऐसे कुछ नहीं कि कौन सी देनी है क्या देनी है, जो अच्छी लगे वो दे सकते हैं। तो मैंने एक तो ऐसी दी है इस तरह से, और एक मैं दूसरी तरह से दूँगी इस तरह से। ये देखो, जो इजी लगे वो दे सकते हैं, दोनों ही सही हैं। तो सारी ब्रेड में कट कर लूँगी, उसके बाद मैं देखती हूँ चाशनी हो गई है। चाशनी भी जल्दी हो जाती है ये, तो इसे मैं दूसरे गैस में शिफ्ट करूँगी क्योंकि इधर मैं रखूँगी कढ़ाई। चाशनी इसकी वैसी ही बनानी जैसे गुलाब जामुन की होती है, कोई तार नहीं निकालनी पड़ती है इसमें। इधर मैंने रख दी कढ़ाई, कढ़ाई में मैंने ऑयल डाल दिया है। तो अब मैं इसे चेक करूँगी ये गर्म हुआ कि नहीं। वहाँ अभी थोड़ा सा कम गर्म है, तो मैंने ब्रेड का छोटा सा टुकड़ा डाल के चेक करा है। तो ये थोड़ा सा अभी है इसमें देर, तो ये हो गया है। अब देखो, तो अब मैं इसमें ब्रेड ऐड करूँगी। तो ब्रेड को एकदम मीडियम फ्लेम में पकाएंगे हम, हाई फ्लेम में करेंगे तो ये जल जाएंगे और कड़वे होंगे। तो हमें एकदम मीडियम फ्लेम में पकाना है इसको, बहुत ही कम आंच में, तभी जाके अच्छे होंगे। पकने में ही नहीं, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बहुत जल्दी हो जाते हैं। ये देखो इस तरह से, जब भी कुछ मीठा खाने का मन करे तो ये बहुत इजी बन जाती है 2 मिनट में। तो ब्रेड भी मेरी पड़ी हुई थी फ्रिज में, तो मैंने कहा चलो आज ये ट्राई कर लेते हैं। तो इस तरह से होंगे ये, ये देखो ये हो गए। तो इन्हें मैं निकाल दूँगी, जितने अच्छे से पकते हैं उतने अच्छा टेस्ट आता है इनमें। ऐसे ही मैं सारे निकाल दूँगी इस तरह से। और ये है चाशनी, तो चाशनी में जब हम डालेंगे तो ज़्यादा देर नहीं रखना है इसे, तुरंत निकाल देंगे हम इसको, क्योंकि अगर ज़्यादा देर रखेंगे तो ये गल जाएंगे। इस तरह से मैंने तुरंत निकाल दिया है। अगर मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें और मुझे बताएं कि कैसी लगी। और ये चाशनी में इसे कुछ बनाऊँगी, तो जब बनाऊँगी तो आपसे शेयर ज़रूर करूँगी। वीडियो पूरी देखना। थैंक यू।